मनीष सर, 2 मार्च को हम लोगों ने एक वीडियो डाला था कि जी सर, जो भी बच्चा नीट में अपियर होने जा रहा है उसका पोटेंशियल सब्जेक्ट बायो तो है ही जी हाँ, है ना। 50%। दूसरा ये है कि 50% भी है और हर गेंद बाउंड्री लाइन के पार भी जा सकती पार है। जा सकते हैं। और हम लोगों ने ये देखा कि इस बार अपने यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने 360 स्कोर किया और उसकी वजह से उनका कॉलेज का रास्ता बहुत आसान हो आसान गया। हो गया था। यस सर, तो एक दिमाग में ये थी कि अभी भी एक भ्रम चल रहा है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पीवाईक्यू कैसे लगाने चाहिए। तो कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछे थे, पोल कराया जरा था बताइए हम लोगों ने कितने क्वेश्चन पूछे थे, पोल कराया था सर, कम्युनिटी हम में। लोगों ने 5 क्वेश्चन पूछे थे पांच क्वेश्चन पूछे थे, जी सर, तो हम लोग पांचों क्वेश्चन का रिजल्ट एक एक करके देख लेते एनालिसिस हैं। कर लेते हैं हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या था मनीष सर? सर। पहला क्वेश्चन था 350 प्लस इन बायोलॉजी इज अचीवेबल। क्या बच्चे 350 प्लस बायो में अचीव कर सकते हैं कि यस नहीं? यस सर, राइट। तो इसके पहले ये भी सवाल आता है, अभी तक किया कि नहीं लोगों ने? तो तो किया तो है ही है, सर क्योंकि हमारा जिस बच्चे ने टॉप किया है उसके पास, नीट, हाँ उसके सर, तो होंगे 360, और सर उसका अपने यहाँ जो से भी करीब 60-70 बच्चों ने 360 प्लस स्कोर 2021 किया में, यस 2021 में। जी। लेकिन 2020 में ऐसा नहीं था, एक ही बच्चे केवल 355 तो थे सर आसपास आप के। आपका उसमें ड्रीम भी था कि 360 वाला। हाँ, तो अब इस पोल को कितने बच्चों ने किया? 8,500, 500। जिसमें 92% बच्चों ने क्या लिखा है कि यस यस अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही लिखा है, ये बात जी बिल्कुल सर, सही है। तो 3% बच्चों ने लिखा नो, 4% लिखा मे बी, नहीं। इन 7% बच्चों को हम लोग कहना चाहते हैं कि आप न्यू लाइट का चैनल सब्सक्राइब करिए, केवल यूट्यूब पे देखते रहिए, सारी क्लास करिए, जो बताया जा रहा है उसको करिए, और आपके 350 प्लस जरूर आएंगे अगर आपने पूरी तरह से विश्वास कर लिया। विश्वास किया। आजकल बच्चे ये होते हैं ना, यूट्यूब दो, थोड़ा ये देखा, 5 मिनट ये देखा, 5 मिनट ये देखा, ऐसा नहीं। हम आपको सजेस्ट करेंगे जिस चैनल पे जाइए लगातार उस पर लगे रहे, लगातार ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि बिल्कुल 100% किया जाए। अचीवेबल है, यस सर, और हम लोगों का मिशन है कि कम से कम हम लोगों के 100 से कम बच्चे, 100 से ज्यादा बच्चे हों 360 जिनके 360 स्कोर करें। जी सर, अरे भाई, जब 355 से हम लोग 360 इतने बच्चों करा दिए, तब तो बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए। जी सर, इवोल्यूशन थोड़ा प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में जी होना सर, चाहिए, जी जी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था मनीष सर? सर दूसरा डू यू क्वेश्चन, हैव एनी क्वेश्चन बैंक विच कंटेन्स लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी? एनसीईआरटी क्योंकि देखिए, ये क्वेश्चन हमारा पूछना जरूरी था, जी सर, जरूरी ये था कि पेपर एनसीईआरटी से आता है, जी हाँ। तो इनके पास क्या कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें उल जलूल सवाल नहीं इधर उधर के, एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की हर लाइन से, हर पैराग्राफ से? जी सर, तो 44% बच्चों ने लिखा यस, और 56% बच्चों ने लिखा नो। अब ये जो बच्चे नो लिख रहे हैं, इसका रीजन क्या है? भाई देखो, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे एनसीईआरटी से। आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आपके पास ऐसी बुक नहीं है कि आपको लगता है कि उसको लगाने से फायदा नहीं है। बच्चों, चाहे जितने पीवाईक्यू लगा लो, चाहे जितने क्वेश्चन बैंक लगा लो, अगर तुमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन नहीं लगाए, तो समझ लो किसी न किसी क्वेश्चन में खतरा हो सकता है। जी सर, अगर एक क्वेश्चन में भी खतरा हो गया तो 360-355 तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस सेक्शन में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या आपके पास ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है कि आपको लगता है ऐसी बुक है ही नहीं कहीं पे, ठीक है ना। तो आप जैसा कमेंट करेंगे फिर हम आपको सजेस्ट देंगे। और मनीष सर, हम लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बुक है, तो बच्चे जैसा कमेंट करेंगे इनको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला हम लोगों का सवाल था सॉल्विंग। हाँ, आप पीवाईक्यू तो हर बच्चा लगाता है जी सर, तो पीवाईक्यू लगाने का भी तरीका बता दें बच्चों को। पीवाईक्यू का बेटा मतलब नहीं आपने क्वेश्चन लगाया टिक किया, आप जहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चन है उसके ऊपर की लाइन पढ़िए, नीचे की लाइन पढ़िए, ठीक है ना। ये नहीं कि पीवाईक्यू ऐसे ही आ जाता है, आता है, मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई हो। तो एक काम तो बच्चों कहेंगे कि आप पीवाईक्यू जब लगाइए तो किताब में देखिए कहां से, ऊपर नीचे की दो दो लाइन पढ़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो 90% बच्चों ने लिखा है 2015 से 2021, 3% ने लिखा 2010 से 2015, 7% लिखा 2000 से 2010। और ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के ऐसा दिया था। एक यहां पर मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे मनीष सर, बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे जी सर, कि ये पीवाईक्यू लगा दें 2010 से 2020 तक, मतलब ये 10 ईयर्स के पेपर लगाएं और अभी से शुरू कर दें, अभी से, है ना। और हम लोग अपने यूट्यूब पे कराएंगे, कराएंगे। इसके बाद 3% लिखा 2010 से 2015, नहीं भाई ये तो इन्होंने हिंदुस्तान से कश्मीर को हटा दिया, मुकुट काट दिया, ये 2016 से 2021 तो करना ही पड़ेगा इनको। 7% लिखा, अरे बप्पा ये तो बड़ा ब्लंडर है भाई, उस समय का तो टॉपिक था। बच्चा लोग, 2000 में सिलेबस कुछ और था, अब ये नहीं है, केवल 2010 से 2020।
परफेक्ट स्ट्रेटजी है कि 2010 से 2020 करिए, ये आपके पास बहुत टाइम है, एक्सटर्नल अरेंज करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। और ये 2010 से 2015 में 5 साल 21 और तक ऐड कर परफेक्ट लीजिए, रहेगा, ठीक है, यानी सर 2010 से 2021 परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट है, साढ़े साढ़े चार चार हजार हजार जो बच्चों मैंने ने बोल बोल दिया, दिया। ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग एनसीईआरटी विद अदर रेफरेंस बुक 74% एवर, ये बच्चे चालाक है, निश्चित रूप से इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जी सर, बुक ना फॉलो करें, जो ना समझ में आए उसको गूगल वगैरह से मार ले अपना। 20% समटाइम्स, ठीक है भाई ये भी चलेगा, लेकिन 7% ऑलवेज बच्चा ये ऑलवेज गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ है भाई, एकदम गड़बड़ है। बच्चा 2019, 2020, 2021 तीनों साल हमने एनालिसिस की है, और 20 और 21 का जो भी पेपर था एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, देखिए नीट वर्सेस न्यू लाइट, एक एक सवाल कई बार पेपर में पूछा गया, जी सर। लेकिन हम लोग स्ट्रिक्ट होते हैं कि केवल एनसीईआरटी से हो। और सर इसमें हम अच्छा लोगों आपने ने, मनीष सर जी देखा ना, अगर कोई सवाल एनसीईआरटी के बारे में कितना बवाल हो जाता है यहाँ सर पे, है बवाल होता है। ना, और तो सर बच्चा केवल केवल एनसीईआरटी फॉलो करो। और अगर आपको विश्वास नहीं कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता, तो इस वीडियो में हमारे टेलीग्राम चैनल में ये हमने दिया है कौन सा सवाल एनसीईआरटी के किस पेज से किस लाइन से आया है, हाँ सर, तो अपने दिमाग में अगर कोई फितूर है तो हटा दो, ठीक है ना। और क्या कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर कंफ्यूजन जितना अब बच्चे कहते हैं नो स्टडी नो कंफ्यूजन, नहीं भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो इतने सारे जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको हटाओ, रखो केवल एनसीईआरटी, पढ़ डालो, और हर लाइन को पढ़ते समय समझ लो कैसा लगना चाहिए, जैसे अच्छा खाना खाते हो ना, चबा चबा के मजा आ रहा है, क्या मीठा रसगुल्ला है, वैसे ही हर लाइन को ऐसे ही चबा चबा के पढ़ डालो, ठीक है ना। और बायो बच्चा पोटेंशियल सब्जेक्ट है, अगर तुमने इसमें 355-60 स्कोर कर लिया तो आगे का काम आसान हो जाएगा, और बची खुची जो कमी है मोदी जी पूरा कर रहे हैं, हाँ सर, क्योंकि 50% प्राइवेट कॉलेज में भी 50% सीटें हाँ सर, बढ़ रही हैं। अगला सवाल था, फॉलोइंग ओनली एनसीईआरटी फॉर नीट यूजी, 2022 4,800 बच्चों ने यस पार्टिसिपेट सर, किया, तो फॉलोइंग ओनली एनसीईआरटी फॉर नीट यूजी, ये बच्चे बड़े चालाक हैं, 95%, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है। नो, अरे भैया क्या कर रहे हो मालिक, मत करो बाबू, गड़बड़ हो जाएगा, समटाइम्स चलो चल जाएगा, लेकिन ये वाले बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो कंसल्ट ओनली एनसीईआरटी बोर्ड। सर इसको 4,800 चार नंबर हजार होने आठ सौ चाहिए। बच्चों ने, और कोई सवाल था? नहीं सर, बस ये नहीं पांच था। क्वेश्चन थे। जी तो प्यारे बच्चों, हाउ टू अचीव 350 प्लस इन बायो, हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए, आपने उसके जवाब दिए, हमने आपको बता दिए कहाँ कहाँ करेक्ट करना है। कंसंट्रेट ओनली ऑन ओनली एनसीईआरटी, पीवाईक्यू 2010 से 2021, और अगर आपके पास कोई बुक ऐसी हो जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो उसे क्वेश्चन लगाइए। हाँ मनीष सर, जी सर, एक मजेदार बात बता दें, बिना सेल से क्वेश्चन नहीं बनता, बिना ग्लैंड से क्वेश्चन नहीं बनता, बिना डेटा से क्वेश्चन नहीं बनता, अब डिजीज बच्चे पढ़ते हैं कंफ्यूज जाते हैं, बिना डिजीज की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जी यूट्यूब पे सर डालेंगे हम लोग। जी, प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी से एक एक मोती निकाल कर तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग यूट्यूब पे सारे डेटा, सारे डायग्राम, सारी डिजीज, सारी सेल, सारी ग्लैंड अलग अलग करके दे देंगे, पढ़ लो यार मजा आ जाएगा, ठीक है। सर तो आपको पूरा मनीष सर मोती थोड़ा निकाल हम के दे लोग, दिया। हाँ तो मनीष सर हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों के साथ। जी सर, तैयार हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों, ये प्रयास कैसा लगा इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगे मनीष सर जी सर, तो ये लोग वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सब्सक्राइब ले, करिए ठीक भाई। है। तो सारे टेस्ट हो रहे हैं, खूब अच्छे से टेस्ट दीजिए, और बिल्कुल सेलेक्ट होके मम्मी पापा के चेहरे पे खुशियां लिखो लिए। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंत में मनीष सर, जय जय हिंद हिंद, जय जय भारत। भारत।